दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय छद्म युद्ध और कोल्ड वार लड़ रही है आप पार्टियों केजरीवाल। केजरीवाल की जो सबसे बड़ी सियासत रही हमेशा छद्म युद्ध लड़ना, कोल्ड वार लड़ना और उसमें चुपचाप जीत जाना। परंतु अब उनका जितना भी छद्म युद्ध है सब उजागर हो जा रहा है और छद्म युद्ध वो लड़ ही नहीं पा रहे। आज आपको बताना है जिस तरह से कोर्ट में उनको डांट पिटी है, उनकी योजना थी कि हम जुडिशरी को प्रभावित कर लेंगे, वहाँ पे हमारे लोग पहुँच जाएंगे, सब धड़ा की धड़ा रह गया। कोर्ट ने उनके उसमें डांटा, कल के उनको उसमें दिया है तारीख और उनके जो लीगल सेल को उनको भी कैसे आप कर रहे हैं, आइंदा से भविष्य में इस तरह नहीं करेंगे, आप इसका भुगतेंगे। इसके अलावा कोर्ट में जो इनकी स्वर्णकांता जी के शर्मा जी के उस पर होनी थी उस पर भी आज बाकायदे बहस हुई और उन्होंने सुनी, उनका पक्ष सुना, फिर उन्होंने कहा कि मैं आफ्टर इसके जब पूरक सभी ये निपटा लूँगी उसके बाद 4:30 के बाद इस पर बताऊँगी। तो मैडम शर्मा ने जो कहा जस्टिस ने कि मैं 4:30 बजे के बाद उसमें लगभग 2 घंटे बाद उसमें बहस फिर अभिषेक मनु संघवी ने की, अपने बहुत आर्गुमेंट दिए परंतु उनका स्पष्ट आदेश था कि 4:30 के बाद। अब आपको बताने क्या हो रहा है इस बीच में, बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा हो रहा है इस समय आप पार्टी में। आप पार्टी में 5-6 लोग हैं, एक राज्यसभा बनाई गई हैं जो मानवाधिकार आयोग की थी, तो आप समझ लीजिए वो भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं जो मानवाधिकार अधिकार में थी और अब राज्यसभा में चली गई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे माईवाल जी। इसके अलावा आपको बताना है सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी जी, राखी बिरला जी भी लगी और लोग भी लगे हैं, कुछ और भी सोर्सेस पता चल रहे हैं वो लगे हुए हैं। जेल में बंद एक महिला भी अपने लिए चाह रही है या लोग उसको भी नाम ले रहे हैं कि उसको ले आइए, उसका आप पार्टी में योगदान है। जो जेल में बंद थी पहले इन 4-5 चौकड़ी के साथ रहती थी, जो 4-5 लोग जेल में हैं इनके साथ थी, उस बड़ा आपको उसको सहयोग रहा। आज उनकी वाइफ ने केजरीवाल ने, सुनीता केजरीवाल ने बड़ा वो कहा कि उनके देह वहाँ है, जिस्म वहाँ है, मतलब शरीर आत्मा आप लोगों के साथ, मतलब इस तरह की बात हुई है जिसको इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग, और इसको कैश करने की कोशिश की। आप पार्टी जितने उससे कर रही कि इनको जेल में दिखा करके सलाखों में, सलाखों के पीछे के कई पोस्टर इन्होंने बनवाए और जिस तरह से आज ड्रेस बनी, लगभग बता रहे हैं करोड़ों रुपए की ड्रेसें बनी जो बांटी गई कल से, परंतु लोग नहीं आए। शाम को भी अभी बाद में भी यही पोजीशन हुई कि आप पार्टी में चर्चा यही चलती रही कि ड्रेसें इतनी बांटी गई लोग कम आए। अब आपको बता रहे हैं कि इस समय उन्होंने ये भी कहा है सुनीता केजरीवाल को कि 28 तारीख को वो खुलासा करेंगे और जो है रुपया कहाँ बरामद हुआ, रुपया कोई नहीं बरामद हुआ और ये सब उनको गलत फंसाया गया, उनके कहीं दस्तखत नहीं है। और ये भी बोला गया कि 1 रुपया आप अभी तक बरामद नहीं कर पाए, 56 बरामद नहीं कर पाए, तमाम इस तरह की उनके फेवर की बात कही। और उन्होंने कहा कि हिरासत में रह के भी उन्होंने जल मंत्री को निर्देश दिए, उनको एक एक चीज़ के, लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों के पर्यावरण की और लोगों के सांस इस समय प्रदूषण होगा, इस सब की चर्चा उनके लिए। गोपाल लाइन में कहा कि पर्यावरण पे वो करना चाह रहे थे मीटिंग सेमिनार, मगर उसके पहले ये हो गया, बताइए बहुत बड़ी कार्यशाला करने। तो ये सब उनका योजना बद तरीके से आज ये रहा कि गुटों में दिखा कि जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो सुनीता केजरीवाल जी ने भी उसी के बाद ही ये हुआ कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो। और इधर मालेना जी लगी नहीं, मालेना जी लगी नहीं धरने प्रदर्शन में। तो इस समय 3-4 रास्ते हो गए, एक का नेतृत्व कर रही है उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, दूसरी का नेतृत्व कर रही है मालेना जी, उधर राखी बिरला जी भी सक्रिय। अब आपको वही बता रहे हैं कि जीते जी केजरीवाल जी ने इनको सामने नहीं आने दिया, राजनीति में नहीं आने दिया, वो चाहते थे कि ये राजनीति में ना आए, चूँकि जो भी हो दोनों लोग अधिकारी थे, दोनों का ये था ईगो था कि वो अपने जूनियर ही बनी रहे जो भी हो, मगर केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ आए, चूँकि बाद में जब वो पहली बार वहाँ पर गए हैं, उनको बुलाया गया था एक संबंध में, जब वो गए थे तब उन्होंने मीटिंग की थी और सुनीता जी को आगे बढ़ाने का सोचा था।
अब सुनीता जी, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के चेयर पे बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसमें एक बात झलकी, आज उन्होंने कई बार कहा मेरे पति मेरे पति मेरे पति। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहीं पे एक, आप पार्टी कार्यकर्ताओं में एक तबके का ये मानना है कि क्या उनका पति छीन ले रहा है, वो तो उनके पति हैं हमेशा रहेंगे। ये एक बात ऐसी रही जो बड़ा डर करके उनका कहना बार बार मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी मेरे पति, ये चीज़ आप समझ लीजिए जो साफ जाहिर कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। उसके जो छापे पड़े उससे पूरी आप घबरा गई है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इन्हों का मामला ले जाने का बहुत लंबे स्तर पर इरादा है आपका और केजरीवाल जी की वाइफ का। ये क्या है, इन्होंने फॉरेन भी अपने आदमी भेज दिए, लगातार फॉरेन से वो बात कर रहे हैं। इधर क्या हुआ है कि जो ये इसको भी डर था राघव चड्ढा को, और एक दो लीडर और भी वो सामने नहीं आ रहे, इनको डर अरेस्टिंग। तो राघव चड्ढा विदेश चले गए हैं, विदेश जा कर के उन्होंने ब्रिटेन में एक ऐसी लेडी से बात की है जो वहाँ पर सांसद है, और प्रीत कौर गिल वहाँ के सांसद, ब्रिटिश सांसद। वो भारत का हमेशा विरोध करती है, भारत के अलगाववाद का, खालिस्तान के समर्थक है, भारत में जो भी आतंकवाद होता है उस आतंकवादियों के समर्थन में रहती है, पन्नों के समर्थन में रहती है, और खुला खालिस्तान की मांग करती है। वो ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका और जर्मनी में प्रतिनिधित्व करती है। हैं ब्रिटेन की सांसद मगर उनकी जर्मनी में बहुत अच्छी वो पैठ है, और कनाडा में है और अमेरिका में है, दूसरा ब्रिटेन में और फ्रांस में। तो आपको बता रहे हैं उनकी राघव चड्ढा से खूब गुप्तगू हुई है, बैठक हुई है, और उन्होंने मीटिंग की है भारत के लेकर के समस्याओं। अब समस्या ये है कि विदेश मंत्रालय से इनको परमिशन लेनी चाहिए इसी विवादास्पद महिला से जो भारत के खिलाफ है, गिल प्रीत कौर, उनसे इनकी मीटिंग हुई पार्लियामेंट में, सब बाकायदे उन्होंने खुद फोटो शेयर की है मिस्टर राघव चड्ढा जी ने। इधर क्या हुआ कि अमेरिका लॉबी से भी लोगों की बातचीत चल रही है लगातार, जाल सोर्स के तमाम लोगों के, उस पर इन्होंने पहले से जाल बिछा लिया था इंटरनेशनल लेवल पे, हम किसी भी तरह से कार्रवाई करेंगे और देश में हम मतलब ना अपनी अरेस्टिंग होने देंगे, जो पैसे हैं उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, कोई पैसा भी नहीं लौटा देंगे। अब इनकी वाइफ ने कहा चमन्नी भी नहीं मिला, तो कायदे से चाहिए जितने का घपला है, जितना रुपया कमीशन लिया गया जो कह रहे हैं, उतना रुपया एक खजाने में जमा कर दें, अगर बरामद नहीं हुआ तो ये खुद दे दें। अब ये गिल के बाद में आपको बता रहे हैं अमेरिका ने दूतावास ने भी आज ये बोला है कि केजरीवाल जी का ध्यान रखा जाए, कानून व्यवस्था का पालन किया। आज दिन तक अमेरिका ने नहीं बोला, आज दिन तक जर्मनी ने नहीं बोला, लालू बंद हो गया, लालू के ऊपर चारा घोटाला का था, मगर कभी अमेरिका नहीं बोला, कभी जर्मनी नहीं बोला, कभी ब्रिटिश की सांसद नहीं बोली। हेमंत सोरेन बंद हो गया झारखंड का, उसकी भी ऐसे अरेस्टिंग हुई काफ़ी, उस पर नहीं बोले। राबड़ी बंद हुए, राबड़ी पर नहीं बोले, तमाम लोग बंद हुए उन पर नहीं बोले, इन पर सिर्फ बोले, यहीं पे कुछ दाल में काला है। आपको बता रहे हैं जिस तरह से खालिस्तान ने कहा है कि मैंने इनको पैसा दिया, 100 कुछ करोड़ बतलाया कि इनको पैसा दिया है, इन्होंने खुद जा कर के वहाँ जा कर के विदेश में बोला केजरीवाल जी ने कि मैं 5 घंटे में छोड़ दूंगा एक आतंकवादी को जो सीरियल बम ब्लास्ट में था। तो जर्मनी का कहना, अमेरिका का कहना, इधर अमेरिकन के उस विवादास्पद जो इंडिया के खिलाफ है, गिल के साथ इनका जाना, पता ये चला है कि राघव चड्ढा, ये तमाम लोग योजनाबद्ध तरीके से, आप पार्टी यहाँ से विदेश में भी अपने ऊपर यहाँ से इंडिया में दबाव चल रही, और वो ऐसे लोगों के उस पर हैं। तमाम लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने लगाया, जिंदर सिंह सिरसा ने भी आरोप लगाया कि इनके CIA से और विदेशी एजेंटों से इनके संबंध है, अलगाववादियों संबंध है, अलगाववादियों से पन्नों के संबंध बहुत क्लियर हो गया। उसने खुद स्वीकार किया कि मैंने इनको रुपया दिया, ये मेरे वित्त पोषित है, ये उसने स्वीकार किया है स्वयं पन्नों ने। तो जिस तरह से अमेरिका ने किया, ये किया जो राघव चड्ढा, ये एक ऐसा एंगल जा रहा है जो इसको लेकर के आप पार्टी के अंदर विद्रोह भी है। उनका ये मानना है कि ये जो सुनीता केजरीवाल जी करा रहे हैं, और जिस तरह राघव चड्ढा के भी बंगले में बहुत अच्छी पकड़ है,
आप पार्टी के सारे लोग दहशत में, मान भी इस बात को मानते, मान से भी केजरीवाल जी ने कहा था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, कि अपने बाद राघव चड्ढा को बना देना। राघव चड्ढा बहुत कम एज का, ऐसा क्या वजह है? उसकी वजह बंगले के अंदर से आशीर्वाद। अब आपको बताना, जिस तरह अमेरिका हुआ उसका जवाब दिया, जर्मनी का भारत ने जवाब दिया, तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप इन आपकी पार्टी के संदिग्धता और इनको कोई बचा नहीं सकता। इसके अलावा आपको बता दें, दो आईएएस के आज पंजाब में छापा पड़ा, उसमें एक आईएएस वो है जो शराब घोटाले में था दिल्ली में, उसको बुलाया गया था, आया नहीं था। तो तमाम ऐसे सबूत हो गए, इधर के कप्ता की गवाही, के कप्ता का रिमांड बनना, इनका रिमांड बनना। अब एक और योजनाबद्ध तरीके से प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं केजरीवाल की तबीयत खराब है या केजरीवाल का तबीयत खराब। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इनका ये कहना है कि केजरीवाल जी का जो शुगर लेवल अप डाउन हो, अप हो रहा कहीं डाउन हो रहा कहीं अप हो रहा कहीं दो मिनट बाद अप हो जाता, तो ये चीज़ भी असंभव है। या तो शुगर लेवल एकदम से डाउन होता या बढ़ता, ये बार बार अप डाउन होना थोड़ी थोड़ी देर बाद, मिनट मिनट बाद, ऐसा संभव नहीं। दूसरा, केजरीवाल जी बड़े उससे बोल रहे थे सब स्वस्थ है, ये एक प्रोपोगंडा करके साइन की जानबूझ करके शानबूत लेने की कोशिश की जा रही। अब ये कहाँ तक सफल होते हैं ये एक बात की बात है, परंतु जो स्थित है कि राघव चड्ढा, इधर हरभजन सिंह ने कुछ भी नहीं बोला है। हरभजन सिंह, पता चला हरभजन सिंह इनके कर्मों से, खास तौर से पन्नू के संबंध से और इनका अकाली दल का, इनका मतलब खालिस्तान को समर्थन से, हरभजन सिंह अंदर अंदर दुखी हैं, चूँकि हरभजन सिंह का विश्वास हिंदुस्तान में रहा, इंडिया में रहा, भारत में रहा शुरू से, और वो एक देशभक्त हो, इसलिए हरभजन सिंह कुछ बोल नहीं रहा। कुल लीडर इनके भाग रहे, राघव चड्ढा के भागने की वजह यही है। और जो बीमारी की बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, ये एक अफवाह उड़ाई जा रही ताकि इनको ठीक से। बंजेंद्र सिंह सिरसा ने ये कहा है कि इनके लिए इनको हर सूरत में रोक देना चाहिए फाइनों को, और LG रोके, LG से कहा गया। एक जनहित याचिका भी दायर हो गई जिसमें ये शासन वहाँ से शासन ना कर सकें जेल से, उसके लिए बाकायदे जनहित याचिका एक श्री यादव जी ने दायर की है, जो कि जनहित याचिका उसमें अब उस पर का वो होनी है। तो ये निश्चित है कि ये जेल से शासन नहीं कर सकते, चूँकि बीच में LG है, LG में अगर LG रोक देंगे तो रुक जाएंगे। अब जो स्थितियाँ हैं उसमें साफ है कि ये केजरीवाल जी के विशेष वो जो उछालना चाह रहे थे, अपने को हाईलाइट करना चाह रहे थे, मेरे पति, उससे साफ है कि वहाँ पे टूटन हो गई। अब कोई बहुत बड़ा धमाका आप में होने वाला, वो दिन दूर नहीं है जब आपको बताना है, ये का आपसे भी बाहर होंगे, जनता के उससे भी होंगे। केजरीवाल पार्टी को बचाने के लिए, आप पार्टी के लोगों को कहना है कि केजरीवाल जेल में रहें और इस्तीफा दे दें, नई पार्टी का फिर से गठन होने दें, नए संगठन का गठन होने। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।